हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज में अपना लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, मेरे हिसाब से सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। बट फिर भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड में या फिर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सॉफ्टवेयर, पहला टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिंपली सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है कि यूज़र के हिसाब से वो काम करे। ठीक है, सेट सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि वो यूज़र के हिसाब से, उसकी मर्जी के हिसाब से या उसकी उसके इनपुट के हिसाब से, उसके आउटपुट के हिसाब से वो काम करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेशन चाहिए तो मैं केवल कैलकुलेटर को ओपन करूंगा। तो कैलकुलेटर कैसा सॉफ्टवेयर हुआ कि वो मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके दे रहा है। इट मींस मैं उसमें जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा वो कैलकुलेट करके देगा। मुझको टाइपिंग करनी है तो मैं वर्डपैड ओपन करूंगा। वर्डपैड कैसा सॉफ्टवेयर हुआ कि उसमें मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो टाइप करके देगा। ठीक, अभी यही मुझको अलग अलग फॉन्ट्स में या हिंदी टाइपिंग करनी है तो मैं एमएस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। मुझे कुछ और चलाना है, मुझे इंटरनेट चलाना है तो मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल करूंगा। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक सॉफ्टवेयर्स हुए। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना। और वो टास्क किस चीज़ पर डिपेंड हो सकते हैं, वो टास्क डिपेंड होते हैं यूज़र के ऊपर कि यूज़र को क्या क्या करवाना है, यूज़र को किस चीज़ में अपना काम निकालना है। क्लियर, सॉफ्टवेयर इज समथिंग वी कैन नॉट टच। सबसे सिंपल डेफिनेशन अब तक की जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी है वो यही है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस पूछा जाए तो सिंपल यही बोलते हैं हम लोग, हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम छू नहीं सकते। बट सॉफ्टवेयर इज समथिंग, इट मीन्स वो समथिंग आपका केवल और केवल साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड है। साइबर वर्ल्ड का मतलब होता है कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्स। अब कंप्यूटर वर्स का इन द सेंस हर वो चीज़ जो आपके कंप्यूटर वर्ल्ड से रिलेटेड है, ठीक, वो सब सॉफ्टवेयर में आती है अगर आप उसको छू नहीं सकते हैं तो। ठीक, अभी मैं बोलूं कि मेरे आइडियाज हैं, मेरे थॉट्स हैं, मेरा विजन है, आप इसको टच नहीं कर सकते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, नो। जो मेरे आइडियाज, मेरे थॉट्स हैं ये कंप्यूटर वर्ल्ड के नहीं है ना। यहीं इसी केस में अगर एक मशीन या एक रोबोट सोचता है कि वो इस तरीके से काम कर सकता है, मतलब वो अपनी तरफ से कोई आइडिया सोचता है, कोई थॉट उसके माइंड में आता है, तो वो सॉफ्टवेयर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर वर्ल्ड से चीज़ रिलेटेड हो गई। वो रोबोट, वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर या फिर जिस भी चीज़ पर हम इस्तेमाल करें, ह्यूमन ब्रेन को जिस तरीके से हमने न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से बनाया हो, वो सब चीज़ कंप्यूटर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं रिलेट हो गई तो उसको मैं सॉफ्टवेयर बोल सकता हूँ। ठीक, अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को आप टच नहीं कर सकते हो तो ये वीडियो क्या हुआ, ये वीडियो भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर हो गई। और एक चीज़, मैं एक ह्यूमन, एक इंसान जब बोलता है तो उसकी एक आवाज़ आती है, एक ऑडियो होती है, एक साउंड होती है, वो साउंड सॉफ्टवेयर नहीं है। बट जब एक कंप्यूटर की तरफ से कोई ऑडियो आती है, कोई साउंड आती है तो वो सॉफ्टवेयर है। एक हेडफोन तक, एक हेडफोन जब गाने सुनते हैं हम लोग, हेडफोन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलती है आउटपुट के फॉर्म में, वो भी सॉफ्टवेयर है। क्यों? मैं उसको भी टच नहीं कर सकता हूँ, केवल फील कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बट आई कैन नॉट टच देम विद माई ओन हैंड्स और फिंगर्स। क्लियर, बट जिस भी चीज़ को मैं टच कर सकता हूँ वो सब चीज़ किस में आती है, हार्डवेयर में। और आप उसमें कुछ भी ले सकते हो। सबसे सिंपल डेफिनेशन है अब तक की, हार्डवेयर वो चीज़ जिसको मैं छू सकूं और सॉफ्टवेयर वो चीज़ जिसको मैं छू ना सकूं, लेकिन ये दोनों कंप्यूटर वर्ल्ड से ही रिलेटेड हैं। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका साइबर वर्ल्ड। ठीक है, हर वो चीज़ जो साइबर वर्ल्ड में हर वो चीज़ जो साइबर वर्ल्ड में टच की जा सके वो हार्डवेयर, और हर वो चीज़ जो साइबर वर्ल्ड में टच ना की जा सके वो सॉफ्टवेयर। इसमें केवल फिलहाल इतना ही रखते हैं सॉफ्टवेयर में। अब नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, हो सकता है जो मैं टर्म्स बताऊंगा वो टर्म्स आप लोगों ने ना सुने हों, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक, और ये भी हो सकता है आप लोगों ने सुने हों, बट इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पक्का सुने होते हैं। सॉफ्टवेयर रखा मैंने, सॉफ्टवेयर का पहला टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं। उसका दूसरा टाइप होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से क्लियर है, वो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को क्रिएट करने में या उस पर काम करने में या उसमें वर्किंग करने में उसके प्रोसेसिंग पे प्रोसीजर पे हेल्प करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको सिस्टम पर काम करने में हेल्प करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको सिस्टम में मतलब सिस्टम के साथ काम करने में हेल्प करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम पर काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में चार सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, या फिर कहूँ चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट होता है डिवाइस ड्राइवर्स, उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, और लास्ट पॉइंट होता है इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर्स। क्लियर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एक दो बेटे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के चार बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। क्लियर, नेक्स्ट इसमें आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पहला बेटा जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर या फिर जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका फुल नेम जो है वो है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इसमें स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर, सॉफ्टवेयर के दो बेटे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के चार बेटे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो बेटे। क्लियर, ये तो रहा इनकी टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि मास्टर प्रोग्राम्स को इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि आपके सिस्टम के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल जो कर सकता है, जो आपके सिस्टम के इंटरनल ऑपरेशंस पे वर्क कर सकता है, उनको हम बोलेंगे मास्टर प्रोग्राम्स। या फिर आपके सिस्टम की एक्टिविटीज को मैनेज करने वाला प्रोग्राम, उसको बोलते हैं मास्टर प्रोग्राम। क्लियर, द सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल्स इंटरनल ऑपरेशंस इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये इंटरनल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी सुनने में। बस सिंपल इसका जो हिंदी में मतलब है वो ये है कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, वो लैपटॉप मशीन है, वो लैपटॉप एक मशीन है, एक हार्डवेयर है, कुछ किसी मतलब की नहीं है। तब तक मतलब की नहीं है जब तक कि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ना डाला जाए। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर चार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। जब तक ये चारों मिलकर काम नहीं करते किसी मशीन पर, तब तक वो मशीन एक डब्बा है, बंद डब्बा, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है, और जब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मशीन में डल जाता है तो आपके सिस्टम के इंटरनल ऑपरेशंस को भी वो कंट्रोल करता है। मतलब कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर के संग अटैच होकर या फिर उसके संग कोलैबोरेट करके, कोलैबोरेशन में मिलकर काम करता है। अब मैं पहले बता देता हूँ कि ये इंटरनल ऑपरेशंस क्या होते हैं। इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, आपके इनपुट डिवाइसेस से डेटा को रीड करना। अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा, मतलब एक मशीन, आपने लैपटॉप खरीदा नया बट उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई विंडोज नहीं पड़ी, तो आप उसमें माउस चलाओगे, क्या माउस चलेगा? नहीं चलेगा। कीबोर्ड पे कुछ टाइप करोगे, कीबोर्ड वर्क करेगा? नहीं करेगा। इट मींस आपको इनपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर, ये रहा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिटिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस। आपने अपनी मशीन को जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन जो है या फिर मॉनिटर, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो क्या उस आउटपुट डिवाइस पे कुछ शो होगा? या फिर मैं उसमें प्रिंटर कनेक्ट कर दूं, क्या प्रिंटर से मैं कुछ प्रिंट कर पाऊंगा? नहीं। क्यों? प्रिंटर को या आउटपुट स्क्रीन को या मॉनिटर को देखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है, वो तो मेरे पास है ही नहीं, कैसे करूंगा? तो ये रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा ऑपरेशन। चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, आपका हर एक कंपोनेंट कंप्यूटर का या लैपटॉप का, मतलब हर एक हार्डवेयर पार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ये कैसे चेक होगा? जब आपके में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तब।
आपने एक मशीन खरीदी, माउस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं पता क्यों, दिख ही नहीं रहा कुछ। कीबोर्ड काम कर रहा नहीं कर रहा, नहीं पता क्यों, कुछ टाइप कर रहा हूँ तो कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो जब आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो, आपको पता चला कि आई का बटन काम नहीं कर रहा है, तो वो कैसे चला पता चला? जब आप कीबोर्ड में आई का बटन प्रेस कर रहे हो और आपको स्क्रीन पे आई प्रिंट होता हुआ, टाइप होता हुआ नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब आप अपने कंपोनेंट को चेक कर पा रहे हो। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? कन्वर्टिंग डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। कंप्यूटर, बोला जाता है कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता, उसके लिए मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और मशीन लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अच्छा, वो कंप्यूटर जो होता है क्या वो केवल मशीन होती है, हार्डवेयर होता है? नहीं ना, कंप्यूटर तब तक कंप्यूटर नहीं होता, तब तक प्रॉपर काम नहीं करता जब तक उसके संग सॉफ्टवेयर नहीं लगता। इट मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर एक कोलेब्रेशन में काम करते हैं, तभी आपका एक कंप्यूटर प्रॉपर बनता है। ठीक है, इट मीन्स मैंने कुछ टाइप किया और उसको टाइप करने के लिए मैंने कोई प्रोग्राम रन किया, वो प्रोग्राम इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुझको तो इंग्लिश पढ़ने में आ रही है, समझ में आ रहा है, बट कंप्यूटर इंग्लिश नहीं जानता ना, कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर्स को जानता है, वन और जीरो को। तो उन बाइनरी इंग्लिश वर्ड्स को बाइनरी लैंग्वेज में या कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर करने का, कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? इनपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करने के लिए, आउटपुट डिवाइसेस को डेटा देने के लिए, सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए, हमारे डेटा या इंस्ट्रक्शन को या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की सख्त ज़रूरत है। केवल ज़रूरत नहीं, सख्त ज़रूरत है, बिना इसके इम्पॉसिबल है काम करना। इम्पॉसिबल, मुश्किल नहीं, डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स जो हैं, क्लियर है, पहले ही बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली, इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, लिनक्स में उबंटु, फेडोरा, काली लिनक्स, रेड हैट लिनक्स और यूनिक्स, एप्पल, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, ये सब क्या हैं? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना, या फिर हार्डवेयर और यूज़र को इंटरेक्ट कराना। मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्यों, मेरे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जब मेरे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम डल जाएगा, तब मैं जो कीबोर्ड से टाइप करूँगा या माउस चलाऊँगा तो मुझको स्क्रीन पर दिखेगा। इट मीन्स यूज़र को हार्डवेयर के संग कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। कौन ज्वाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मीडिएटर की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स, लैपटॉप में या कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मेरे लैपटॉप में वाईफाई भी है, ब्लूटूथ भी है, लेकिन मेरे लैपटॉप में वाईफाई ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा, मतलब चल नहीं रहा। क्यों? उसमें डिवाइस ड्राइवर नहीं है। उस हार्डवेयर को के लिए प्रॉपर एक छोटी एप्लीकेशन या छोटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है कंप्यूटर में, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर के उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पर, उस पर्टिकुलर वाईफाई पर या ब्लूटूथ पर फोकस करे और उससे काम निकलवाए। ये कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में माई कंप्यूटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने के लिए भी चीज़ें होती हैं, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए होता है, हार्ड डिस्क मतलब किसी फाइल को कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सब जो फंक्शंस होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आते हैं। इट मींस अगर किसी सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे छोटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही एंटीवायरस बना हुआ आता है, डला हुआ आता है, वो कौन होता है? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, वो इसी की वजह से काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहले से कैलकुलेटर डला हुआ आता है, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, वो भी तभी काम करेगा जब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होता है।
अगर कैलकुलेटर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते वक्त कैलकुलेटर की फाइल मिस हो गई तो कैलकुलेटर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, और जब तक कैलकुलेटर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पाऊंगा। सिंपल। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर्स तीन तरीके के होते हैं, जिसमें असेंबलर्स, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, ये तीन चीज़ आती हैं। इन तीन का काम क्या होता है? हमारे फॉर्मेट को, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट को, इट मीन्स आइदर इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करने का काम लैंग्वेज प्रोसेसर का होता है। इट मीन्स मैं जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता हूँ वो कंप्यूटर नहीं समझता, तब तक नहीं समझेगा जब तक कि लैंग्वेज प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को या उस डेटा या उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के समझने लायक तैयार ना कर दे। क्लियर। यहाँ पर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट। नेक्स्ट आता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल नहीं है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट्स वाई द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो कम अंडर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। ये एप्पल का है, इसको बोलते हैं फेडोरा, लिनक्स का वर्जन है। ये विंडोज़ का है लोगो सिंबल, ये iOS एप्पल के आईफोन्स के लिए, एंड्रॉयड अबंतु, लिनक्स का ही दूसरा वर्जन है, ये लिनक्स का दूसरा वर्जन है, ये लिनक्स का अलग वर्जन है। क्लियर। ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इन एग्जांपल्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम कर सकता हूँ, उन सॉफ्टवेयर्स को बोलता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइंड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर नीड के को सेटिस्फाई करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का जन्म हुआ था। मतलब कि मुझे पेंट करना है, केवल ड्राइंग करनी है तो मैं केवल पेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो पेंट जो एप्लीकेशन है, पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीज़ के लिए है, मेरी किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए है? वो ड्राइंग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, तो केवल एक पर्टिकुलर नीड के लिए। ठीक, ये एक एग्जाम्पल रहा। मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या हो सकता है? मैं केवल और केवल प्रेजेंटेशन ही तैयार कर सकता हूँ। इट मीन्स मेरी एक पर्टिकुलर नीड को प्रोवाइड करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए पावर पॉइंट का जन्म हुआ। मुझको इंटरनेट चलाना है तो मैं वेब ब्राउजर का ही इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, मोजिला फायरफॉक्स हो। ठीक है, मैं पेंट का इस्तेमाल करके इंटरनेट नहीं चला सकता, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इंटरनेट नहीं चला सकता। इट मींस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके लिए, जो केवल और केवल एक टास्क को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अच्छा, एक टास्क का मतलब ये नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए बनाया है उस पर केवल टाइपिंग हो रही है, टाइपिंग के साथ साथ मैं उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ, मतलब रंग बिरंगा बना सकता हूँ, उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें लिखा है ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट मैं फिर भी बोलूँगा 99.99% एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखे हुए होते हैं। प्रोग्रामर कौन होते हैं? जो हम जैसे ही आप, हम और हमारे जैसे आप जैसे लोग होते हैं, जो कंपनीज में बैठ के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। वो सॉफ्टवेयर केवल एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अमेज़न का एक सॉफ्टवेयर है, अमेज़न का एक ऐप है, एप्लीकेशन, या फ्लिपकार्ट का ऐप है। तो फ्लिपकार्ट के ऐप पे क्या आप कैलकुलेटर का काम कर सकते हो? नहीं ना। फ्लिपकार्ट के ऐप पे क्या कर सकते हो? केवल शॉपिंग। तो केवल एक पर्टिकुलर टास्क के लिए वो मतलब लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया,
उसकी बाउंड्री क्रिएट हो गई कि वो केवल शॉपिंग के काम ही आ सकता है, और वो भी किसने बनाया, एक प्रोग्रामर ने, एक डेवलपर ने, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ता हूँ, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कवर किया था वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर करूंगा। दो पार्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस में बहुत सिंपल चीज़ होती है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कोई कंपनी अपनी तरफ से पहले ही बना कर देती है, मतलब कि पेंट पे काम करने के लिए कंपनी ने पेंट बना दिया किसी एक कंपनी ने, पावर पॉइंट पे काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पावर पॉइंट बना दिया, वर्ड पे टाइपिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया, कैलकुलेशन वाला करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना दिया, तो ये सब हो गए जनरल पर्पस। अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस का मतलब है, मान लो मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी एक कंपनी का मालिक हूँ, और नहीं कंपनी नहीं, मेरा कोई बिजनेस है, ठीक, मेरा कोई बिजनेस है, मैंने एक कंप्यूटर साइंस की कंपनी, आईटी कंपनी से बात करी कि मुझे ऐसे ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है अपनी कंपनी के लिए, केवल अपने बिजनेस के लिए, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस। क्यों? वो सॉफ्टवेयर केवल मेरी कंपनी तक ही सीमित है, लिमिटेड है, वो किसी दूसरी कंपनी के लिए बेकार है, यूजलेस है, वेस्ट है, ठीक है। तो जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस क्लियर हुआ। इसका एक और एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, जैसे कि सोचने दो मुझको थोड़ा सा, हाँ, जैसे कि कोई स्कूल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो वो एक स्कूल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक कंपनी ने डिजाइन किया, तो अगर उस पर किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं करा तो वो हो गया जनरल पर्पस, मतलब कोई भी स्कूल उसको काम कर सकता है उस पर। अगर वो कंपनी क्या करती है, स्कूल के संग बात करके उस स्कूल के सारे बच्चों की लिस्ट और उसकी क्लासेस, उसके नंबर, उसकी फीस, उसमें जितना स्टाफ है उन सबके नाम, रिकॉर्ड, ये सब पहले से मेंटेन करके देती है, तो वो हो गया स्पेसिफिक पर्पस, वो केवल उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए ही लिमिटेड हो गया, ठीक है। मतलब एक सॉफ्टवेयर आपका जनरल पर्पस भी हो सकता है और वही आपका स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है, अगर आप उसमें चीज़ों को या इंफॉर्मेशन को क्लियर कर दो, बता दो कि इसमें ये आएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स भी हैं, चलो इस एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, एक नज़र डाल लो एग्जांपल में, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, सबने देखे हुए हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, फोटोशॉप, पेंट, एक्सप्लोरर, वर्ड, रिसाइकल बिन, उसका ये है म्यूजिक प्लेयर और डीवीडी रन करने के लिए अभी है, ठीक है। ये आपका ड्राइंग के लिए काम आता है, ये आपका वो है आईएसओ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये सी, ये वाला जो आपका सी क्लीनर है मोबाइल में भी मिलता है, ये आपका एंटी, हाँ ये एवीजी एंटीवायरस है, ये भी सी क्लीनर है, ये वेब ब्राउजर है, ये क्विक टाइम और क्विक हील है, ठीक है। ये आपको पीपल को कनेक्ट करने के लिए है, ये मैक्रोमीडिया फ्लैश है, ये वेब ब्राउजर है, और ये वो है विंडोज मीडिया प्लेयर, पुराना वर्जन, बहुत पुराना वर्जन है ये, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर वो होते हैं जनरल पर्पस, ठीक, कुछ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर केवल अपनी कंपनी के लिए बनवाता हूँ स्पेसिफिक पर्पस, सबके लिए बनवाता हूँ पूरी दुनिया के लिए फ्रीली, जनरल पर्पस, सिंपल सी बात है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कवर किया हमने, सॉफ्टवेयर कवर किया, उसके सॉफ्टवेयर पढ़ा हमने, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स पढ़े, ठीक। सॉफ्टवेयर के पार्ट्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा ये सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, उन हर टाइप दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम के चार टाइप्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन की, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशन के थोड़ी थोड़ी डिस्कशन की, उनके एग्जाम्पल्स देखे। इसके बारे में जो डिटेल्ड डिस्कशन होगा वो हम लोग अपनी आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।